हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली फेवरेट डिश प्रॉन मलाई करी। ये प्रॉन मलाई करी बहुत ही टेस्टी होता है और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्रॉन, लिया है 300 ग्राम। ये बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। और इसे मैंने काट कर बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। और यहाँ पर लग रहा है जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, लौंग, इलायची, एक टमाटर लिया है, टमाटर को छोटे छोटे काट लिया है, प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन, और मैंने यहाँ पर सनराइज़ का गरम मसाला लिया है और पाउडर जो मिल्क होता है मैंने उसे लिक्विड बना लिया है। अब कढ़ाई को गरम करके मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है, तेल भी गरम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर प्याज डाल दूँगी, थोड़ी देर प्याज को भून लूँगी। अब हरी मिर्च को डालकर कुछ देर भून लूँगी और अदरक लहसुन जो था उसे भी एक साथ ही डाल दूँगी और अच्छी तरीके से भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो अब टमाटर को डाल दूँगी। अब इन सभी को अच्छी तरीके से कुछ देर भूनना है गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। तो मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। अब गैस को ऑफ करके और मसाले को थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में डाल दूंगी। तो मैंने डाल दिया है, अब इसे अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब कढ़ाई में मैं सोयाबीन ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब लौंग और इलायची को डाल दूंगी, थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट को डाल दूंगी। अब इस पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है इसे। तो कुछ देर भूनने के बाद अब मैंने जो भी मसाला लिया था वो सारे मसाले एक साथ ही डाल दूंगी। अब सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए कलर कितना अच्छा हुआ है। तो अब एक चम्मच टमाटो केचप डाल दूंगी। टमाटो केचप से बहुत ही अच्छे फ्लेवर होता है मलाई करी का। थोड़ा देर और भूनना है। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मसालों को भूनना है जब तक ना ऑयल छोड़ दे। तो ये देखिए मसालों से ऑयल निकल रहा है। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि मसाला ना जल जाए।
अब प्रॉन को डाल दूंगी। फिश को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। देखिए कितना अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। तो ऐसे ही कुछ देर और भूनूंगी। अब कुछ देर भूनने के बाद मैंने जो मिल्क लिया था उसे डाल दूंगी। तो अब इसे अच्छी तरीके से कुछ देर और पकाना है। देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छा बना है, लगभग रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं गरम मसाला डाल दूंगी। गरम मसाले डालने से खुशबू बहुत ही अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर पानी के साथ साथ थोड़ा चीनी भी डाल दिया है, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा बनता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो बस रेडी हो चुका है मेरा प्रॉन मलाईकारी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।